डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 का एक परिचय हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है। व्यवसायिक क्रियाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए विनिमय साध्य विलेख अधिनियम का व्यापक महत्व होता है। व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत माल का लेन देन और उसका प्रतिफल मुद्रा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न जोखिमों को देखते हुए नकद मुद्रा के स्थान पर विनिमय पत्रों का प्रचलन हुआ। इन्हीं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भुगतान किया जाता है, जिससे कि व्यवसायिक क्रियाएँ अत्यधिक प्रभावी रूप में संचालित होती हैं। और आज का व्यवसाय स्थानीय स्तर से विश्व स्तरीय हो गया है। आज का व्यवसाय ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नकद बैंकिंग आदि के माध्यम से होता है, और मनी का आदान प्रदान भी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विश्व स्तर पर हो गया है। लेकिन इन पर विनिमय साध्य विलेख अधिनियम व अन्य संबंधित अधिनियमों के सभी नियम लागू होते हैं। विनिमय साध्य विलेख संबंधी नियम किसी एक देश अथवा राष्ट्र के नियम ही नहीं होते, बल्कि एक व्यापारिक जबान या भाषा के नियम होते हैं। इन नियमों, उपनियमों, सिद्धांतों, मान्यताओं के व्यापार संबंधी कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत और रीति रिवाज सम्मिलित होते हैं, जिसमें विश्व के सभी देशों के व्यापार संबंधी कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों के प्रभावी संचालन व्यवस्था करने के लिए स्थापित किया गया है। इस अधिनियम का क्षेत्र जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होता है, और प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चेक संबंधी अधिनियम है। इस अधिनियम के नियम भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम की धारा 21 के वर्तमान में विद्यमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 तथा किसी स्थानीय रीति रिवाज को प्रभावित नहीं करते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। विनिमय साध्य विलेख का सामान्य आशय है कि जब कोई विलेख जो एक लिखित रूप में है, जो किसी व्यक्ति या पक्षकार के हित में अधिकार उत्पन्न करता है, और उस विलेख का भुगतान सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित होता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसे लिखित संलेख जो किसी व्यक्ति या पक्षकार के हित में अधिकारों की उत्पत्ति करता है, जो सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणी होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, और जिस विलेख का एक व्यक्ति या पक्षकार से दूसरे व्यक्ति या पक्षकार को रुपए की भांति केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। जो व्यक्ति प्रतिफल के बदले में सद्भावना से लिखी किसी विनिमय साध्य विलेख को प्राप्त करता है, वह उसका संपूर्ण स्वामी बन जाता है, भले ही हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ने उस विलेख को चोरी से ही प्राप्त क्यों न किया हो। तो इस तरह से विनिमय साध्य विलेख निम्न दो शर्तों को पूरा करता है। पहला तो ये कि ऐसा विलेख व्यापारिक परंपराओं के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक सुपुर्दगी या पृष्ठांकन पर सुपुर्दगी यानी कि इंडोर्समेंट पर सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण ही होता है, और दूसरा सद्भावना अथवा सद्विश्वास द्वारा एवं प्रतिफल देकर किसी भी व्यक्ति को उसका पूर्ण रूप से दोष रहित स्वत्व प्राप्त करने एवं उसमें वर्णित देय राशि को अपने नाम से प्राप्त करने का अधिकार हो। इसकी विशेषताएं कि सबसे पहली विशेषता है कि लिखित होना चाहिए, दूसरा है कि प्रलेख हस्ताक्षर युक्त तो होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट शुड बी साइंड, देन वाहक को या आदेशानुसार दे होना चाहिए, पेबल टू द बियरर और ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक वाहक चेक बी के नाम से 10,000 रुपये का देता है, और बैंक को आदेशित करता है कि चेक का भुगतान वाहक को दे दिया जाए, तो ये वाहक को आदेशानुसार दे होगा। अनकंडीशनल होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए। जैसे कि एक्स वाई को एक विलेख लिखकर यह कहता है कि मैं वाई या उसके आदेशित व्यक्ति को मोटरसाइकिल की कीमत 25,000 रुपये विलेख की तिथि के 4 माह बाद देने का वचन देता हूँ। यदि वाई आदेश के अनुसार मोटरसाइकिल की सुपुर्दगी कर दे तो वह विलेख शर्तयुक्त होगा, इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह व्यर्थ हो जाएगा। सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है ये, और असीमित संख्या में हस्तांतरण या पृष्ठांकन हो सकता है। किसी भी विनिमय साध्य विलेख को असीमित संख्या में हस्तांतरित या पृष्ठांकित किया जा सकता है। हस्तांतरण की सूचना विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि विलेख के हस्तांतरण की सूचना विलेख के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति या पक्षकार को देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर संपत्ति,
विनिमय शादी विलेख जिस प्रकार पक्षकार या व्यक्ति के अधिकार में होता है उसे ही प्रपत्र या विलेख का स्वामी माना जाता है। इसी तरह स्वत्व गुड एंड एब्सोल्यूट टाइटल विनिमय शादी विलेख का हस्तांतरणकर्ता तथा यथाविधि धारक माना जाता है। मूल्य के बदले प्रपत्र के वास्तविक प्राप्तकर्ता का स्वत्व हस्तांतरणकर्ता के दोषपूर्ण स्वत्व से प्रभावित नहीं होता है। शीघ्र भुगतान विनिमय शादी विलेख की यह विशेषता है कि धारक को शीघ्र भुगतान प्राप्त हो जाता है। अधिकार राइट टू स्यू विनिमय शादी विपत्रों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विपत्र के अनादरण पर स्वयं वाद प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित धनराशि विनिमय शादी विलेख की एक महत्वपूर्ण और आधारभूत शर्त यह है कि उसकी धनराशि निश्चित हो। साथ ही साथ प्रचलित मुद्रा में भुगतान होना चाहिए, मूल्यवान प्रतिफल होना चाहिए और ऋण का अभिहस्तांकन असाइनमेंट ऑफ लोन। विनिमय शादी विलेख ऋण के अभिहस्तांकन का सर्वाधिक सरल आसान और अत्यधिक सुविधाजनक साधन के रूप में माना जाता है। अलग अलग तरह के विनिमय शादी विलेख हो सकते हैं जिसके अंतर्गत हम तीन तरह के विलेख इम्पोर्टेंट लेते हैं, प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट, विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा आता है चेक, यानी कि जो चेक हम सामान्य रूप में देखते हैं। इसी तरह विनिमय शादी विलेख की मान्यताएं हो सकती है। पहली मान्यता होती है प्रतिफल के संबंध में कि प्रतिफल के लिए लिखा स्वीकृत पृष्ठांकित अथवा हस्तांतरित किया जाता है। तिथि विनिमय शादी विलेख पर अंकित तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई तिथि लिखी गई है या अंकित की गई तो यह माना जाएगा कि उस तिथि को विलेख पत्र लिखा गया या स्वीकार किया गया है। स्वीकृति का समय भी इसमें निर्धारित होना चाहिए। हस्तांतरण की विधि इसमें जब तक कि कोई विपरीत स्थिति सिद्ध नहीं होती तो यही माना जाएगा कि विपत्र का प्रत्येक हस्तांतरण विपत्र की परिपक्वता से पूर्व होना चाहिए। तो इस तरह से ये इसके कुछ मान्यताएं थीं।